अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेम के बारे में, गेम द रूम 3। इसे हम कैसे डाउनलोड करें, ये आप देख सकते हो द रूम 3 गेम है। इसे हम कैसे डाउनलोड करें, अगर इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको उसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे, जो कि ये फ्री में नहीं है, उसका आपको उसका चार्ज देना होगा। लेकिन द रूम 1, 2, 3 ऐसी बहुत सी गेमें हैं जो प्ले स्टोर में आपको चार्जेबल होती है। मैं आपको बताता हूँ उसे आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक से आसानी से उसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको द रूम 3 ओपन करके बता दूँ पहले। ये द रूम 3 जो लोड हो रही है, जो 520 MB की ये जो गेम है, 520 MB की हाई डेफिनेशन HD गेम है। इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। जिस तरह आपको गूगल में अगर इसे ढूंढोगे तो वायरस की प्रॉब्लम आएगी, वायरस का दिक्कत आएगा, और कोई कोई इंसान इसे कर लेते हैं, स्मार्ट होते हुए कर लेते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते हैं गूगल से, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत है इंस्टॉलेशन करने में। लेकिन मैं आपको बताऊँगा वहाँ से आप जिस तरह प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो उसी तरह से इंस्टॉलेशन करोगे, वो भी लीगली अनलीगली कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में सभी गेमें आपको मिलेंगी बिना किसी चार्ज के। आप इसे देख सकते हो, ये हाई डेफिनेशन गेम है जो बिल्कुल मुफ्त में है बिना किसी पैसे के, वो भी फुल वर्जन है, ट्रेल वर्जन नहीं, फुल वर्जन, वो भी फ्री में। अब इसे हम किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह करेंगे हम, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं फर्स्ट इसे मैं क्विट करता हूँ यहाँ से, ये मैंने क्विट कर लिया है। इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, जैसे कि मैं यूजी ब्राउज़र में जाता हूँ, मेरे पास यूजी ब्राउज़र है, मैं इसका यूज़ करता हूँ। अब यहाँ से मुझे गूगल में जाना है, ये मैंने गूगल को ऑन कर लिया है। जैसे कि मुझे गूगल खोलना है, मैंने गूगल खोल लिया है। अब यहाँ हमें टाइप करना है एप्टॉइड, माफी चाहता हूँ स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, एप्टॉइड टाइप करना है। यहाँ से हम फर्स्ट वेबसाइट में जाएंगे जहाँ एप्टॉइड लिखा हुआ है .com, इन एप्टॉइड .com में। आप देख सकते हो जो एप्टॉइड है उसकी जो वेबसाइट है वो आ चुकी है। यहाँ हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक देंगे। यहाँ हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगा। आप एक बार यहाँ क्लिक कर लोगे उसके बाद सोचोगे ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा वेरीफाई होता है, थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो होती है, और फिर भी नहीं होता तो यहाँ आप देख सकते हो क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है येलो लाइन से, जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करने पर आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा देर रुकोगे तो अपने आप ही डाउनलोड का जो सिंबल रहता है APK फाइल का वो आ ही जाता है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं हम। देखिए ये आ गया है हमारा डाउनलोड का जो सिंबल है, वो 18.34 MB जो फाइल है एप्टॉइड की वो आ चुकी है, इंस्टॉल हो रहा है, अब डाउनलोड हो रहा है। सॉरी, हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, देख लीजिए APK फाइल आ चुकी है। अब हमें इसे सिर्फ इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा उन सोर्स का, उसे आपको
सेटिंग में जाके जो अन सोर्स होता है उसे आपको ऑन करना होता है इसे। फाइल इंस्टॉलेशन हो रही है। एप्ट्रेड में बहुत से ऐसे ऐप हैं जो चार्जेबल होते हैं, जो आपको आसानी से फ्री में मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जैसे किन मास्टर है जो वीडियो बनाने के काम आता है, और ऐसी बहुत सी चीज़ है जो मुफ्त में आपको आसानी से मिल जाए। ये देखिए आप डाउनलोड हो चुका है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ऐप का। ये मैंने यूजी को एग्जिट किया और ये एप्टोइड को मैंने ओपन किया। जैसे प्ले स्टोर की तरह आपको फर्स्ट कोई भी ईमेल देना होता है, जैसे हमारा जीमेल जो होता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी चलता है, और फेसबुक से भी और मोबाइल से भी हम लॉगिन हो सकते हैं। मैं जीमेल से लॉगिन होऊंगा, जो मेरी जीमेल की आईडी है मैं जे मोबाइल वाली उसी से लॉगिन हो जाता हूँ। कुछ नहीं, बस आपको सिंपल एक क्लिक करना है, अपने आप लॉगिन हो जाएगा। ना पासवर्ड डालने हैं ना कुछ, सिर्फ क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही ये अपने आप लोडिंग हो जाएगा। ये देखिए ये खुल चुका है। अब आपके सामने इसका जो होम पेज आएगा, गेम वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मैं सीधा धर्म 3 चाहता हूँ तो धर्म 3 को ही मैं सर्च करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ गेम है। प्ले स्टोर से भी पहले यहाँ पे अपडेट्स आ जाते हैं, व्हाट्सअप के वगैरह वगैरह जो अपडेट्स हैं जो प्ले स्टोर से पहले यहाँ आ जाते हैं। बहुत सी गेम हैं जो आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी सारी गेम्स हैं जो फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। मैं लिखूँगा यहाँ पे द रूम 3, द रूम, ये देखिए आ चुका है द रूम 3 इसमें। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो गेम है द रूम का 1 भाग है, 2 भाग है, और ये 3 वाला भी है। जो फर्स्ट 3 वाला है मैं उसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे ओपन किया। एंड नाउ यहाँ जो ओपन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप अगर यहाँ खोलोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल। आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।